एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय बजट को लेकर नाउम्मीद है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी जी ने कहा था कि ये देश नहीं बिकने दूंगा, लेकिन पूरे एयर इंडिया को बेच रहे हैं, नवरत्न हैं जैसे बेच रहे हैं, तो बचता क्या है, फिर इस बजट से क्या उम्मीद करेंगे। आरबीआई से आप तो 3 बार पैसे निकाल लिए, बेरोजगारी पूरे 45 साल में सबसे निचले स्तर पर है, ऐसे में बहुत ज्यादा उम्मीद सरकार से नहीं की जा सकती। गृहमंत्री अमित शाह का नाम बघेल लिए, सीएम भूपेश बघेल ने उन पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश को आग में झोंक दिया मोटा भाई ने, आज जो परिस्थिति बनी है उससे जिम्मेदार कोई है तो छोटा भाई और मोटा भाई। अमित शाह के बयान पर सीएम ने कहा कि मुझे भारत के नागरिक होने का प्रमाण क्यों देना चाहिए, यदि कोई घुसपैठिया है उसे पकड़ें, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। पूरे एयर इंडिया बेच रहे हैं, नवरत्न हैं उसे सब बेच रहे हैं, ONGC से पूरा पैसा निकाल लिए हैं, रेल बिक रहे हैं, तो बचता क्या है, फिर इस बजट से क्या उम्मीद करेंगे। जहां RBI से आप दो दो तीन तीन बार पैसे निकाल लिए हैं, बेरोजगारी सबसे पूरे 45 साल में सबसे उच्चतम स्तर पर है, तो ऐसे में बहुत ज्यादा उम्मीद इस सरकार से नहीं की जा सकती। किसान उत्पादक संस्थाओं यानी कि